हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफो न्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या बेवा औरतों के निकाह को जो लोग बुरा समझते हैं वो सही है या गलत। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बेवा औरत के लिए इस्लाम में निकाह जायज है और लोगों की बदनीयति, बदनिगाही और फासिद इरादों और बदकारी से बचने की नीयत से हो तो बिला सुबहा वाइसे अज का सवाब भी है। और निकाह करने पर बिला वजह किसी औरत पर लअन तअन करना, उसको बुरा भला कहना या बेवा औरत को मनहूस ख्याल करना सब गुना है। दोस्तों, आजकल के माहौल में बदकारों, जिनाकारों, अयशकारों, होटलों, क्लब, घरों और अयासी और जिनकारियों करने वाले मर्दों और औरतों की कसरत के बावजूद उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि वह नेता, कायद और बड़े आदमी कहलाए जा रहे हैं। और कोई बेवा औरत निकाह करे या अंधेर उम्र का मर्द या कोई मर्द एक से ज्यादा निकाह करे तो उसको लोग बुरा जानते हैं और मलामत कहते हैं। यह सब जहलात और इस्लाम से दूरी की नतीजे है। निकाह शरई जितने ज्यादा हो उतना बेहतर, क्योंकि निकाह बक्कारी को मिटाता है, जिनाकारी और जिनाकारों के रास्ते बंद करता है। आजकल लेने देने, लंबी बारातों, दहेज की ज्यादती और रुसुम और रिवाज की कसरत से निकाह शादियां मुश्किल हो गई है। इसलिए बदकारी और जिनाकारी बढ़ रही है। निकाह को आसान करो ताकि बदकारी मिट जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस्लामिक मालूमात है। जितना आपको हम बता रहे हैं दूसरे को भी आप जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल वर्ल्ड इंफो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हमें आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।